नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से, जो है सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। अर्थात बच्चों देखिए, भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की, मनुष्य जाति का निर्माण किया और पृथ्वी को बनाया, आशा जीवों से भरा, तो उसने क्या किया, उसके साथ उनका भोजन भी बनाया। पर उनका भोजन जैसे चिड़िया का ही उन्होंने उदाहरण दिया कि चिड़िया उन्होंने बनाई, पर क्या चिड़िया का खाना उसके घोंसले में ही दिया क्या? नहीं, चिड़िया को क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपना भोजन स्वयं ढूंढना होता है। उसी तरह हमें भी क्या करना है बच्चों, मेहनत करनी है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है। बच्चों आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत वचन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वचन के दो भाग होते हैं बच्चों। देखिए वचन, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल जाता, एक मतलब एक, बहु मतलब बहुत। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वचन शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जिस भी शब्द से आपको किसी वस्तु का एक होना या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण, तितली उड़ रही है, तितली उड़ रही है, मैं मतलब एक ही तितली उड़ रही है। और अगर मैंने बोला कि तितलियां उड़ रही है तो तितलियां में दो या दो से ज़्यादा तितलियां है, तो यह क्या हुआ बच्चों, संख्या बताई कि तितली मतलब एक, तितलियां मतलब अनेक, तो यही वचन होता है। संस्कृत भाषा में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किंतु पाली भाषा में द्विवचन समाप्त हो गया हो और केवल वचन रह गया, मतलब इसमें होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुसकलिंग, ये द्विवचन, एकवचन नहीं, द्विवचन नहीं बच्चों, एकवचन, बहुवचन, नपुसकलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुसकलिंग। पर हमारे हिंदी में क्या है, दो ही है, एकवचन और बहुवचन, तो हमें यह दो ही पढ़ने हैं, कौन से, एकवचन और बहुवचन। तो चलिए उसके अब मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे देखिए, गाँव में मेला लगा है, मेला, मेला मतलब एक ही मेला, पर मतलब गांव में मेले लगे हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेले लगे होंगे। बच्चा खेल रहा है, अगर मैंने बोला कि मैदान में बच्चा खेल रहा है, अर्थात एक ही बच्चा खेल रहा है, पर अगर मैंने बोला कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा है। माता, माताएं, आँख, आँखें। अच्छा, आँख दुखती है तो बोलते, अगर आपकी दोनों आँख दुख रही तो मेरी आँख दुख रही, नहीं, आँख दुख रही है, आँखें दुख रही है। पंखा, पंखे, रात, राते, मतलब आज रात मैं सोया नहीं, तो कोई बोलता है ना, मैं तो कई रात से सोया नहीं, वो रात, राते, बात, बातें। तो यह एक वचन बहुवचन, मतलब बच्चों सीधी सा भाषा में जो आपको एक वस्तु होने का, एक ही चीज़ होने का बोध कराती है वो एक वचन है, और जो आपको दो से ज़्यादा होने का बोध कराती है, बोध मतलब आप जिससे आप समझ सकते हो कि दो से ज़्यादा वस्तुएँ हैं, वह बहुवचन होता है। इसे कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे क्यारी, क्यारियाँ, कली, कलियाँ, त्रुटि, त्रुटियाँ, बिजली, बिजलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, तितली, तितलियाँ, नीति, नीतियाँ, गली, गलियाँ, खुरपी, खुरपियाँ, रीति, रीतियाँ, टोपी, टोपियाँ, तिथि, तिथियाँ, ध्वनि, ध्वनियाँ, नारी, नारियाँ, संस्कृति, संस्कृतियाँ। बच्चों यह क्या होता है, वचन होता है। हमको बहुत ज़्यादा डीपली इसको सीखना नहीं है, बस आप समझ जाओ कि जहाँ पे एक वस्तु है वह एक वचन और जहाँ पे दो से ज़्यादा है वह अनेक वचन है। तो बच्चों इसकी अगली कक्षा में आपको मैं इसको लिखने का, कैसे लिखना है इसका वीडियो दूंगी कि आपको इसको लिखना किस तरीके से है। अभी मैंने सिर्फ आपको ओरल पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखना कैसा है ये देखेंगे। तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद। आपको कुछ लिखना नहीं है बच्चों आज, ठीक है, बस आपको समझना है। अगली कक्षा में मिलेंगे, बाय बाय।